इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी एक और एक 11 बन के आज आगे आई है, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जितनी भी महिला शक्ति मेरे साथ, कहते हैं ना महिलाओं को घर में बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ चल रही है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समय बहुत हो चुका, जैसा कि आपको मुझसे पूर्व सभी ने बताया कि आज मैं आपके बीच में कोई भाषण देने नहीं आई, आप मेरा परिवार हो, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। पर आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो घर से मुझे यही समझाया गया कि आप दूसरी जगह नहीं जा रहे, आप अपने परिवार में जा रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपने इतनी रात तक मेरा स्वागत। कहते हैं कि घर में कोई शुभ काम हो तो सबसे पहले अपने परिवार को न्योता दिया जाता है, आप मेरा परिवार हो और घर में शुभ काम आपको पता है, आपके अपने जन नायक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है 25 सितंबर, आप सब लोगों को न्योता देने आई है, और अपने बागड़ी के करनी शीघ्री न्योतो, तो थाना सारा ने शीघ्री न्योतो है, फिर सारा मेरी जितनी भी माता बहन भाई बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे होके 25 तारीख को उच्चाणा की नई अनाज मंडी में पहुंचना, ताकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सके, जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा एक अध्याय लिखने का काम किया, उसी तरीके से आपसे अनुरोध है, आप भारी संख्या में पहुंच के 25 सितंबर को एक नया अध्याय लिखने का काम करें। अब अगर हम ना परिवार के बीच में खड़ी हूं तो कुछ दुख सुख भी करके जाऊंगी, आपसे मिलने भी इसीलिए आई हूं क्योंकि आप और हम बहुत दिन हो गए, 20 साल से, कभी 10 साल कांग्रेस के आगे, कभी 10 साल बीजेपी के आगे, सीधी सीधी एक बागड़ी भाषा में एक बात बताओ, सुखी हो कि दुखी हो, 10 साल बीजेपी और 10 साल में किसान ने आंदोलन किया, कमेरे ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन किया, आशा वर्करों ने आंदोलन किया, सैनिकों ने आंदोलन किया, खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, सरपंचों ने आंदोलन किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसने आंदोलन ना किया हो, आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, और जो युवा शक्ति है वो आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से राजनीति की हर एक चीज को बारीकी से देखती और जानती है, आंदोलन तब होता है जब सत्ता में बैठी सरकार हमारी सुन ना रही हो और जो विपक्ष हो वो कमजोर हो, इसलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, इन्हीं आंदोलनों में एक आंदोलन 13 महीने तक चला जिसका खामियाजा अपने गांव में भी हमने भुगता, एक किसान की शहादत देके 13 महीने तक जो आंदोलन चला उसमें मुख्य रूप से किसानों ने एक बात कही कि जो भी नेता हमारी मदद के लिए आना चाहता है वो अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देके आए। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी हैं, 4200 से ज्यादा, और हर एक का अगर आप भाषण निकाल के सुनोगे तो एक एक ने भाषण दे रखा है कि हम किसान और कमेरे के साथ हैं, हम किसान और कमेरे के नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन जब बात आई इस्तीफे की तो आप सब लोग एक बात बताओ, कितने इस्तीफे हुए बोल के बताओ, मैंने कितना इस्तीफा होया, एक। सारा नेता राजनीति तो करे किसान और कमेरे की, पर इस्तीफे हुए एक, इससे ज्यादा दूध का दूध और पानी का पानी क्या हो सकता है, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का आदर्श नहीं तो और क्या था, जिस नेता ने अपनी एक कुर्सी आपके हरियाणा प्रदेश के किसान और कमेरे की शान के लिए छोड़ दी। और एक बात और है, पिछले विधानसभा में हरियाणा प्रदेश ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी थी,
मैं आपको इस मंच के माध्यम से दावे से कहती हूँ, अगर आप 20-30 सीटें देते तो 30 के 30 इस्तीफे किसान की जोड़ी में पड़े हुए मिलते, मिलते इतना तो आप लोगों को भी विश्वास होगा, मिलते कि नहीं मिलते? आज बोल के बताओ, मैं तो थारू सुनन आईडी हूँ। और एक बात और है, थे सारा मेरा बड़ा बुजुर्ग इकट्ठे बैठे हो, पहले आपने नहीं गावा में दंगल होया करतो, दंगल हम तो नहीं, और गांव का पहलवान एक दूसरा लड़न जाया करता, और जे अपन यहाँ लाग तो भी अपने गांव को कोई पहलवान थोड़ी बहुत कसर है तो पल्लों घी दिए करता कौन दे करता, देनता नहीं भी तकड़ो जरा अपने गांव की लड़ाई लड़े। तो आज के मैंने एक बात, पूरे हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में अबे सिंह जी चौटाला बड़ो कोई राजनीति में पहलवान थाने दिखे के? कोई दिखे तो थे मैंने बता दो, तो फिर थे मैंने आज आप ही बता दो, थे ही पहलवान ने तगड़ो बनाना है मुर्दो रखना है? हाथ खड़ा करके बताओ, तकड़ो बनाओगे मुर्दो तकड़ो बना दियो? क्योंकि एक चीज है था मैं आज मैं कह के जाऊं, देखो आपस में बैठा अगर गलती जे होगी तो भूल जाइयो, अपन कोई कौन पूछेगा, अपनी जाति कौन पूछे, कोई विधानसभा में 89 चुप रहता और एक अभय सिंह जी चौटाला गरज के दाड़ के थारी आवाज ऊंची करण को काम करो तो थारू प्रार्थना है बांगी आवाज ने और बुलंद कर दी। आज कांग्रेस के नेताओं का चिट्ठा आपके सामने है, 834 करोड़ का मामला भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पे है जब वो मुख्यमंत्री थे, और उससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। ये दोनों मिलकर एक साजिश रचते हैं और कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल तो बीजेपी से मिल जाएगी। एक बात पूछ लेना इनसे आए जब, इंडियन नेशनल लोकदल तो वो पार्टी है जिसने कदम कदम पे जनता की आवाज उठाने का काम किया है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, आप लोगों के बीच मुख्यमंत्री होते हुए भी आप लोगों के बीच आए, चौधरी देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपके बीच में आए, इनके अलावा आप सब लोग मेरे को नाम लेके बता दो कि बीजेपी का प्रधानमंत्री आपके बीच में आया क्या? कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आपके बीच में कभी आया? बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी आपके बीच में आया क्या? तो एक चीज बताऊं, कांग्रेस